हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोबाइल ज्ञान एक्सप्रेस। फ्रेंड्स, आज मेरे पास नोकिया 1PA1066 मॉडल का मोबाइल फ़ोन आया है जिसमें हैंग और लोगों की प्रॉब्लम है। दोस्तों, वो नोकिया के लोगों से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, लोगों पर ही लगा हुआ है। तो इस सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम को आप बिना PC की मदद से, बिना किसी बॉक्स या PC की मदद से, बिना फ्लैशिंग के ही आप ठीक कर सकते हैं। सिर्फ इसको आपको मेरे बताए हुए तरीके को फॉलो करके इसको हार्ड रिसेट करना होगा, तो ये प्रॉब्लम 99% सॉल्व हो जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ फ्रेंड्स। ये फ्रेंड मेरे पास है नोकिया का मोबाइल फ़ोन। आप देख सकते हैं ये जो इसमें प्रॉब्लम है वो हैंग ऑन लोगों पे अटका हुआ है, नोकिया के लोगों से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो इसको हम हार्ड रिसेट करने वाले हैं। इसका हार्ड रिसेट का जो तरीका है फ्रेंड्स थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको एक चार्जर से इसको पहले कनेक्ट करना होगा और फिर इसको हार्ड रिसेट करना होगा। तो मैं आपको पहले इसकी जो प्रॉब्लम है आपको दिखा दूँ। देखिए, इस लोगों से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मैंने बहुत टाइम इसको रखा, आप भी देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ वेट कर लेते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो फ़ोन है लोगों से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकता हूँ। तो इस वक्त तो फ़िलहाल मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को, तो आप देख सकते हैं ये इस लोगों से आगे बढ़ नहीं रहा है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको आपको बैटरी निकाल के इसको पावर ऑफ कर लेना है मोबाइल को इस तरह से। अब इसके बाद में आपको इसकी चार्जर की पिन इसमें इंसर्ट करना है। ये देखिए, मैंने इसमें चार्जर की पिन इंसर्ट कर दी है। अब आपको वॉल्यूम अप एंड पावर की को एक साथ प्रेस करे रखना है कुछ सेकंड्स के लिए, आपका फ़ोन वाइब्रेट होके जैसे ही एंड्रॉइड का लोगो आए तो आपको दोनों बटन को छोड़ देना है। तो इस तरह का ये एंड्रॉइड का लोगो आ जाएगा। अब आपको पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को प्रेस करना है एक साथ। देखिए, इस तरह से ये ऑप्शन आ जाएंगे। फिर आपको सिंपली इसको वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट कर देना है पावर की मदद से। यस करके ये जो है आपका फ़ोन वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट हो जाएगा और इसमें जो प्रॉब्लम थी हैंग ऑन लोगों की दोस्तों वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ क्योंकि यहाँ पे कम से कम 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि हार्ड रिसेट करने में ज़्यादातर इतना ही वक्त लगता है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। और दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो वीडियोस पाने के लिए इसी तरह की, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही लाइक ज़रूर कर देना, जिससे मैं आगे और भी वीडियो बना सकूँ और मुझे मोटिवेशन मिले आगे और नई वीडियोज़ आपके लिए लेकर आने के लिए। तो देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए।
देखिए दोस्तों, ये पूरी तरह से ऑन हो चुका है, लेकिन अब इसमें जो है FRP लॉक लगा हुआ है, यानी कि गूगल अकाउंट लॉक, उसको भी आपको बाईपास करना होगा। इसके लिए मैं एक वीडियोस बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको बिना PC के भी बाईपास कर सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।